हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। सो हम आपको आज अपने नए फ्रेंड से मिलाने वाले हैं। ये हिमालयन मैस्टिफ है और इसका नाम है फ्लफी। फ्रेंड्स, हैप्पी समर्स टू ऑल। तो आई होप कि आप समर्स का मजा ले रहे होंगे। हर सीजन का मजा लेना चाहिए, तो मैं भी समर्स का मजा ले रहा हूँ। देखिए, मैंने हैट भी डाली आज, और देख पा रहे होंगे जो मेरी सिस्टर्स हैं वो डॉगी के साथ फन कर रही है। तो मैं आपको अपने पेट के बारे में बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें। तो एक तरह का जो ये हमारे पास पेट है, ये है गार्ड डॉग। इसे गद्दी डॉग भी कहा जाता है, बट इसे इंग्लिश में अगर आप गद्दी को सर्च मारोगे तो हिमालयन मैस्टिफ करके आपको दिखेगा गूगल पे। तो ये एक्चुअल में गार्ड डॉग होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये गार्ड डॉग्स होते हैं। और मुझे तो थोड़ा डर ही लगता है कि she only plays with me because she is very comfortable in playing with me. Okay. और ये मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार तो करती है, साथ में दांत भी मार लिए इसको दो चार, मतलब जो इतने को मारे ना, कितनी जगह मारे थे। हाँ, मुझे बहुत सही जगह यहाँ पे हाथ। अच्छा, देखो। अच्छा, इदर, इसको वैक्सीनेशन लगाई है? या इसको वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लग चुका है। तो दोस्तों, मुझे तो पता नहीं है ना, क्योंकि मैं तो कल ही आया घर, और तो मुझे पता नहीं है कि वैक्सीनेशन वगैरह या फिर कुछ सारी फॉर्मेलिटी हो गई है कि नहीं। तो फिर ये है, और अभी आपको क्लोज टच दिखाता हूँ मैं इस डॉगी का। ये फीमेल डॉगी है, यानी कि बिच है, और इसका नाम है फ्लफी। फ्लफी क्यों रखा इसका नाम? क्योंकि इसके भाई के इसके बहुत ज्यादा फर फर से हैं बाहर से, और ये बहुत ज्यादा मोटू मोटू। अलग ही लॉजिक है। ये तो वही सब के ही होते हैं डॉगीज के। ओ, शी इज लिटरली बाइटिंग मी, चीविंग योर स्किन। या काव्या को डर लगता है डॉगी से। ये अभी तक तो गोद में रखा हुआ था, फिर से एक तो काव्या अपनी गोदी में, इसके काव्या की गोदी में नहीं हो। बाइटिंग गाइस, देख सकते हो यहां देखो कैसे स्क्रैचेस आ चुके हैं। सही बात है, तभी तो मैं दूर रहता हूँ डॉगी से। या तू इसको गोद में उठाई हो अपने, आजा आजा इसके गोद में दे साक्षी, काव्या की जैसे पहले दिया था। अरे कुछ नहीं करती, ऐसे हाथ अच्छे से अच्छे से। उसे उसे पता है कि ये भी बच्चा है, ये कुछ नहीं करी। अब नीचे बैठे बैठे, नीचे काव्या नीचे बैठे। स्क्रीमिंग, मेरे को उतारो भाई, किसकी गोद में ले आ दिया। इधर देख, ये बड़े होके बहुत बड़ी हो जाती है साइज साइज में, और इसके जो फर है वो अभी से काफी ज्यादा हो जाते हैं। दीदी भागो, वो डिपेंड करता है कि डाइट किस टाइप की दे रहे हो आप। अभी कितने मंथ्स की है? 2 months? अच्छा, ये कुत्ते जल्दी बड़े हो जाते हैं डॉगी। हम अपने खाली खेत में आए हुए हैं ताकि हम यहाँ पे अच्छे से मौज मस्ती कर सके। यहाँ पे कोई भी पेड़ वगैरह नहीं लगाए हुए, तो इस वजह से तुमने इसको खाने वाला बना दिया हुआ है। क्या किया है? मेरे को खाएगी? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आराम से। भाई बहुत तगड़ी बाइट फोर्स है इसकी, अभी लग ही गया था इसके मुंह में, मेरा हाथ चला गया था। बट आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ हर, बिकॉज़ मैं उसके साथ नहीं की आदत पड़ चुकी, और ये खेलने के लिए आती है। रहने की नहीं, जानवर जानवर ही होते हैं। अरे ये खेलने के लिए आती है तो उसको क्या मुंह करना, मैंने हमेशा अगली बंद खाएगी 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 सीरियसली खाएगी
चलिए ये सिलसिला की वो खेल रही है उल्टे करके। तो ये अभी मस्ती के मूड में है और मेरे से तो उठाई नहीं जाती क्योंकि मेरे को लगता है दांतों से डर। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, देख पा रहे हो गाइस, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो कहीं जोर से इसने कर लिया तो देखो, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आंख में जाए चश्मा लगा लो, आंख में लगाने के लिए बोला था, था। मुंह में नहीं बोला था, काव्य ने इसके मुंह में डाल दिया। काव्य इसको गोदी में उठाना, नहीं उठाना, उल्टा चश्मा लगाएगी क्या? आंख में लगा इसको, तो चलिए गाइस इसे ले चलते हैं हम। ऐसे कौन ले जाता है गाइस, काफी मजा आया वीडियो बना के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आपको हमारी प्लेबुक कैसी लगी। चलो बाय।